आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में सभी स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 4 अप्रैल को इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो ये वीडियो इंग्लिश सब्जेक्ट का है। इसमें मैं डिस्कशन करूँगा स्ट्रॉन्ग रूट जो कहानी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसमें से आप लोगों को 100% क्वेश्चन जो है कॉमन देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड्स ऑफ APJ अब्दुल कलाम्स फादर फील्ड हिम विथ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी एंड, तो आंसर होगा एंथुसियम। ये प्रीवियस ईयर 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब्दुल कलाम्स फादर वुड कॉन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इन सिंपल डाउन टू अर्थ। कलाम के पिताजी उन्हें जीवन के लेसन तमिल में सिखाते थे। द कोकोनट ग्रोव वेयर अब्दुल कलाम फादर यूज्ड टू वॉक डाउन एवरी मॉर्निंग वॉज अबाउट, तो जहाँ पे कलाम के पिताजी रोज सुबह जाते थे टहलने के लिए, नारियल का बगीचा कितने दूरी पर था, तो 4 मील की दूरी पर था। अब्दुल कलाम मिनिस्ट्रियल हाउस वॉज बिल्ड इन, कलाम का प्राचीन घर कब बना था, तो आंसर होगा मिडिल ऑफ द 19th century, यानी मिड ऑफ द 19th century। कलाम्स फादर वुड टेक हिम द मॉस्की फोर, कलाम के पिताजी उन्हें मस्जिद ले जाते थे, क्यों, तो इवनिंग प्रेयर के लिए, शाम में जो नमाज होता है उसके लिए ले जाते थे। वन ऑफ द फॉरवियर्स ऑफ द कलाम्स मदर वॉज अवार्डेड बाय द ब्रिटिश बाय द टाइटल ऑफ, यानी कि कलाम के जो मम्मी है, कलाम की माँ का कोई फॉरवियर्स है, कोई करीबी और रिश्तेदार को ब्रिटिश कौन सा टाइटल दिया था, तो आंसर होगा इसका बहादुर। APJ अब्दुल कलाम वाज बर्थ ए, तो कलाम का जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था। फॉर कलाम्स फादर हिज मदर वाज एन, तो कलाम के पिता के लिए उनकी मदर क्या थी, एन आइडियल हेल्पमेट थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलाम्स फादर वाज, कलाम के पिताजी थे वाइस एंड जेनरस, कलाम्स लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेंटली, तो कलाम का जो आसपास का पड़ोस था वो घिरा हुआ था चारों तरफ से मुस्लिमों का, यानी कि मुस्लिम की बहुत ज़्यादा आबादी थी वहाँ पे, लेकिन कुछ हिंदू परिवार भी वहाँ रहते थे। रामेश्वरम वाज फेमस टू पिलग्रिम फॉर, रामेश्वरम क्यों प्रसिद्ध है, तो द शिवा टेम्पल के लिए, शंकर भगवान के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। देयर वेयर क्वाइट ए लॉट ऑफ डैश फैमिली लिविंग एमिकेबली विथ देयर मुस्लिम नेबर, तो यहाँ पे हिंदू होगा, कुछ हिंदू परिवार भी वहाँ पे मुस्लिम परिवार के साथ मिलकर रहती थी। द क्वेश्चन डेट APJ अब्दुल कलाम आस्क हिज फादर वंस वाज अबाउट द रिलीवेंस ऑफ प्रेयर, यानी कि प्रार्थना से जुड़ा हुआ सवाल कलाम ने एक बार अपने पिता से पूछा था। कलाम्स फादर टोल्ड हिम डेट इन द पीपल मिजरी ही एक्टेड एज ए मीडिएटर, यानी लोगों के लिए एक मीडिएटर का काम करते हैं और उन्हें जो है मदद करते हैं अपने मंत्र के द्वारा। बाय स्ट्रॉन्ग रूट APJ अब्दुल कलाम मीन्स, APJ अब्दुल कलाम का क्या दिखाया गया है, तो इस फैमिली बैकग्राउंड दिखाया गया है, या फिर उनका जो है कह सकते हैं चाइल्डहुड जो है बचपन जो है दिखाया गया है कलाम का। कलाम्स फादर यूज टू अवॉइड, कलाम के पिता को क्या पसंद नहीं था, तो कम्फर्ट एंड लग्जरीज जो है आरामदायक चीज़ें और ऐसा आराम की चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी, केवल खाना कपड़ा और दवा जो है उसका यूज करते थे वो। द डिवाइन पावर अब्दुल कलाम थिंक कैन गाइड वन टू, तो डिवाइन पावर जो है वन ट्रू प्लेस में ले जाने के लिए, सही रास्ते में सही जगह पे ले जाने के लिए लोगों को गाइड करते हैं। तो ये जो है कहना था अब्दुल कलाम का। एवरीडे कलाम मदर फीड, और जो है प्रत्येक दिन कलाम की मदर खिलाती थी किनको, तो मेनी आउटसाइडर्स, बहुत सारे बाहरी लोगों को। द लैंग्वेज ऑफ द प्रेयर चेंटेड इन द मॉस्की वाज, कौन सा लैंग्वेज जो है मस्जिद में पढ़ा जाता था जो नमाज है, तो आंसर है अरबिक, जो कि कलाम को समझ में उस समय नहीं आता था। इन हिज चाइल्डहुड कलाम लिव्ड इन हिज, अपने बचपन में कलाम कहाँ रहते थे, तो इनिस्ट्रल हाउस प्राचीन पूर्वजों के घर में रहते थे जो कि मिडिल ऑफ द 19th century में बना था, और लाइम स्टोन और ब्रिक्स यानी कि ईटा पत्थर, ईटा से और चूना पत्थर से जो है लाइम स्टोन से बना था, ये एक लार्ज पक्का हाउस था। आफ्टर नमाज कलाम फादर यूज टू वॉक, तो नमाज के बाद कलाम के पिताजी 4 मील जो है पैदल जाते थे। कलाम फादर यूज टू स्टार्टेड हिज डे 4 AM में अपना दिन का शुरुआत करते थे। आफ्टर नमाज कलाम फादर यूज टू वॉक डाउन टू ए, कहाँ जाते थे नमाज के बाद, तो स्मॉल कोकोनट ग्रोव में जाते थे। कलाम्स फादर वुड रिटर्न फ्रॉम द ग्रोव, कलाम के पिताजी ग्रोव से रिटर्न होते थे, तो 1 dozen कोकोनट के साथ। APJ अब्दुल कलाम बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए, तो कलाम जो है विश्वास करते थे डिवाइन पावर, दैवीय शक्ति पे। द प्लेस APJ अब्दुल कलाम लिव्ड वॉज डोमिनेटेड बाय, डोमिनेटेड मतलब घिरा हुआ था किन से, तो मुस्लिमों से, यानी ज़्यादातर मुस्लिम की आबादी थी
और कुछ हिंदू परिवार भी रहते थे वहाँ पे। कलाम्स फादर कुड कॉन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इन वेरी सिंपल इन तमिल लैंग्वेज। कलाम के पिताजी तमिल लैंग्वेज में समझाते थे कलाम को। तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वाज द प्रिस्ट ऑफ द टेम्पल। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री किस मंदिर के पुजारी थे? तो आंसर है रामेश्वरम, जहाँ एक शंकर भगवान का जो कि मंदिर था वहाँ के पुजारी थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। हाई प्रिस्ट थे यानी बड़े पुजारी। द शिवा टेम्पल वाज 10 मिनट वॉक फ्रॉम द अब्दुल कलाम हाउस। तो 10 मिनट की कलाम के घर से दूरी था शिवा टेम्पल यानी रामेश्वरम टेम्पल का। द नेम ऑफ द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, हाई प्रिस्ट का नाम क्या है? तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामेश्वरम हेड ए टेम्पल ऑफ, किसका टेम्पल है वहाँ पे? तो शिवा टेम्पल। इन द वर्ड ऑफ APJ अब्दुल कलाम्स फादर, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ये कलाम के पिताजी का जो है लाइन है। डॉक्टर कलाम्स फादर हैड नाइदर फॉर्मल एडुकेशन नॉर वेल्थ। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आप लोग देख सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग रूट के। अगला वीडियो में आप लोगों को 3 क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियो क्लास 11-12 के उपलब्ध हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।